पानी पानी तो बहुत आ रखा है। अरे मत जाओ भीड़ो, टूटा हुआ रास्ता, यहाँ पर कल सारा पानी आ गया था मंदिर में। गाइस यहाँ पे मेरे भाई के दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने पानी तो बहुत रखा है। और इसके नीचे से यहाँ भी देखा मैंने, जैसे वो डैम खुला होता है ना, वैसा हो रखा नीचे। देखो 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 देखो, यहाँ खुला हुआ बिल्कुल लग रहा है, ऊंचा है वो पानी तो बहुत ऊपर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हैं आज गजिया देवी मंदिर, तो आज मैं आपको करवाऊंगी मंदिर के दर्शन। तो मेरे साथ आई है मम्मी, ये रही मेरी मम्मी, और आगे है हमारे साथ नानी, पापा और विनय जो मेरा राखी ब्रदर है और प्रशांत का बेस्ट फ्रेंड है। और मैं आपको बताती हूँ प्रशांत और टिया क्यों नहीं आए हैं साथ। टिया के साथ आने का मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप सबको मालूम है, आप सब मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो इसलिए हम टिया के साथ एक बंदा घर में रहना बहुत जरूरी था। और दूसरा रीज़न ये है, घर में हमारे कुछ काम भी चल रहे हैं, वो भी आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, आपको ब्लॉग से पता चलता रहेगा आगे आगे। इसलिए टिया घर में है, प्रशांत घर में है, मामा घर में है, और हम लोग सब आए हैं अभी दर्शन करने। चलो साथ में दर्शन करते हैं। नानी हाय। मंदिर का नाम है गर्जिया देवी मंदिर, ये उत्तराखंड रामनगर में स्थित है। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है ये ब्रिज, और ये जो पानी देख रहे हैं इस नदी का नाम है कोसी नदी। बारिश ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा आज नजर आ रहा है, और कल तक तो द्वार भी बंद थे क्योंकि 3-4 दिन से नॉनस्टॉप बारिश हुई है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा आ गया है यहाँ। इस बार सितंबर मंथ तक भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, अदरवाइज़ आप जब भी यहाँ पर आएंगे जुलाई अगस्त में मत आना, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने बारिश बहुत होती है और तो द्वार बंद होते हैं माता रानी के। तो गाइस ये आप जो देख रहे हो सब टूटा हुआ रास्ता, यहाँ पर कल सारा पानी आ गया था मंदिर में, और जिसकी वजह से पूरा टूट चुका है अभी, जैसे कि अभी बता भी रहे थे जहाँ पर हमने चप्पलें उतारी। तो अभी आज हमारी किस्मत अच्छी थी, मम्मी पापा के लिखे हुए थे आज दर्शन होना, तो आज ही पानी कम हुआ है, और आपको मैं पीछे दोबारा एक बार दिखाऊंगी पानी कितना ज़्यादा आया था। तो चलो अभी चलते हैं दर्शन करने, प्रसाद हमने ले लिया है। चलो यहाँ से पानी देख पा, पापा जय माता दी। नानी बेचारी थक गई। ये रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आता है माता रानी का, सबसे पहले नानी पहुंची दर्शन करने, और सबसे ओल्ड हुए हैं। तो गाइस अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखो ये हम मंदिर के टॉप पे खड़े हैं जहाँ भी हमने दर्शन करे, और उस पुल से उस ब्रिज से अभी हम होकर आए हैं, और पानी देख लो आप एक बार। और यहाँ पे काफी लोग डूब भी जाते हैं, आगे ना इसके एक भंवर सा आता है तो मेरे को तो बहुत डर लगता है। तो अब हम नीचे आ गए हैं, ये रहा हमारा मंदिर जहाँ से अभी हम दर्शन करके आए हैं, और नीचे इसके बना हुआ है भैरव बाबा का मंदिर, अब हम यहाँ पर जाएंगे।
तो यहाँ पर आए हुए थे फॉरनर्स और मैंने डिसाइड किया था मैं दूंगी विनय को एक चैलेंज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाहर घूमता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना ना, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको डेयर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पर उसको बोला कि तुझे जाके बस उनसे हाय हेलो करना है और ये पूछना है कि वो कहाँ से है, थोड़ी बहुत बात करनी है, तो उसका डेयर कंप्लीट हो जाएगा। जा तो बड़े कॉन्फिडेंस से रहे, देखो अब आगे क्या होता है। बहुत ओल्ड है। बेइज्जती हो गई तेरी कब? इससे करना है? हाँ इससे लग रहा है। हाय, फ्रॉम वेयर यू आर? हाय कर दिया, उसके आगे से जवाब नहीं दिया, पूछा मैंने कहाँ से बोली मुझे। हाँ सही बोल रहा है, इंग्लिश नहीं आती, वरना जो इंग्लिश होते हैं वो तो बड़े बात कर लेते हैं आराम से। तेरी तो ये डालूंगी, चैलेंज तेरा जीरो हो गया। बड़े चोट में गया था। हाय देयर, गुड आफ्टरनून। अब मैं क्या करूं जब बोलूं इंग्लिश में? कितना तेज है यार पानी, मतलब देखा नहीं जा रहा पानी को। ये देख के देखो, एक जगह देख के देखो पानी को, चक्कर आ रहे देख कर ही ना। बहुत तेज होता है, देख के मुझे अजीब सा हो रहा है इसको। देख ना मम्मी, वहाँ पानी अलग है, ये पानी अलग है। आप चलो, अरे मत जाओ मिलो। पापा भी हो क्या है आज, तो दर्शन करके आ गए बेचारे, पसीने पसीने हो गए, कान की टांड देखो एक बार। लग गया माता ही करता रहा, ऊपर चढ़ता गया। देखा माता ले गई ना। बोलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब मैं आई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे। आपने देखा होगा यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ, मुझे यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने पेरेंट्स को भी यहीं पर लेकर आई हूँ लंच करवाने, तो चलो साथ में चलते हैं। और मेरा फेवरेट कुजीन आपको पता है, अभी आप देखोगे वही आने वाला है। तो मम्मी पापा जा रहे हैं, तो नानी ने उनके लिए बनाए हैं मस्त गरम गरम आलू के परांठे और अभी वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके फिर वो जाएंगे। चलो मैं एक बार मिलवा देती हूँ आपको। और अब यहाँ पर हो रही है जाने से पहले पिठिया की रस्म। जैसे कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, पहाड़ी कल्चर में जब भी कोई जाता है घर से तो उसको हम लोग पिठिया लगाते हैं और सगन लगाते हैं, या कुछ भी गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट देते हैं साथ में। बड़े दिमाग खराब करती है।
आप चलो, अरे मत जाओ मिलो मिलो, मेरी बना लो यार। ना नहीं दे रही, ये हो गई कितनी बनी है। हो गया।